Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. You can learn English. तो स्वागत है आपका ECLE की चैनल पर शानदार जबरदस्त धमाकेदार क्लास में 5 मिनट इंग्लिश वाली क्लास कौन सी 5 मिनट तो स्वागत है आपका 5 मिनट इंग्लिश वाली क्लास में और आज की क्लास में होगा धमाकेदार प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स क्या होती है? प्रोवर्ब्स अगर हिंदी बोलो तो हम कहावत बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कहावत बोलते हैं. कहावत सुनाओगे ना? सुनाओगे आपने, भैंस के आगे बीन बजाना, सांच को आँच नहीं लोहे को लोहा काटता है, कर भरा सो हो भरा, जो बोगे वह पाओगे, जो बोगे वह पाओगे. सुना है ना? ऐसे ही ये प्रोवर्ब्स होते हैं. ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली में हमारी जो लैंग्वेज भाषा है वो है हिंदी, नेटिव लैंग्वेज. तो इसमें बहुत सारी कहावतें होती हैं तो बोलने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है. लेकिन हम सोचते हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सोचते हैं ना? आप भी सोचते होंगे इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, प्रोवर्ब्स को, ये कहावत को. तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज हम प्रोवर्ब्स के बारे में 5 मिनट इंग्लिश वाली क्लास हम डिस्कस करते हैं शानदार वाली क्लास में. तो देखते हैं कि प्रोवर्ब्स. फर्स्ट, भैंस की आंगे बीन बजाना. फनी है ना, भैंस के आगे बीन बजाना. बहुत बोला इसका मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना. एक कहावत सुन होगी, अकल बड़ी के भैंस. सुना है ना? अकल बड़ी के भैंस. अकल बड़ी है कि भैंस बड़ी है? तो मूर्खों को क्या भैंस बड़ी, अकल तो तीसरी है, ठीक है. तो ऐसे ही हिंदी में ऐसे इसी में भी कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना. किसी को कितना ही समझा दो, कितना ही कुछ कर लो, उसको समझ में आते नहीं है. इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना. तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे? Crying in wilderness. क्या बोलेंगे? Crying in wilderness मतलब भैंस के आगे बीन बजाना. क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाना, crying in wilderness. ठीक है, सुना है ना? बहुत सुना है. तो आप बोलना अगर किसी को समझ आया कि अरे यार nothing, he is not able to understanding it. It is mean that crying in wilderness, भैंस के आगे बीन बजाना बोल सकते हैं. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है लोहे को लोहे काटता है. लोहे को लोहा काटता है. सुना है आपने? लोहे को लोहा काटता है. सुना होगा, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, दुश्मन को दुश्मन मारता है. इस प्रकार से सुना होगा, दारू दारू उसको मारता है. सुना है? ठीक है. तो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं इसको? बहुत ज़्यादा बोल रहता है. इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे लोहे को लोहे काटें, डायमंड कट टू डायमंड. क्या बोलेंगे? डायमंड कट टू डायमंड मतलब अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो हीरा हीरे को काटेगा. क्या काटेगा? हीरा हीरे को काटेगा. किसको काटेगा? हीरे को काटेगा. काटेगा ना? बिल्कुल काटेगा. ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है कर भला सो हो भरा. ये आपने सुना होगा, कर बुरा सो हो भरा, कर बुरा सो हो भरा. अगर आपने बुरा करा है तो बुरा ही होगा. कर बुरा सो हो भरा. तो अगर हम इसको बोले तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू ईविल एंड लुक लाइक फॉर. क्या बोलेंगे? डू ईविल लुक फॉर लाइक, सॉरी डू ईविल लुक फॉर लाइक मतलब कर बुरा सो हो बुरा, कर बुरा सो हो बुरा. अगर आप बुरा करोगे तो बुरा ही होगा. कर बुरा सो हो बुरा. ठीक है, डू ईविल लुक फॉर लाइक. ठीक है, जो बोगे वो पाओगे, जो बोगे वो पाओगे. बहुत सुना होगा जो बोगे. अगर आपने देखा होगा कि किसी के साथ कोई घटना हो जाती है और किसी ने गलत किया होगा, जो बोगे वही पाओगे. ठीक है, मतलब ये है कि ऐसा होता है कि मैंने एक देखा है, थोड़ा सा किस्सा बताऊं कि एक उनके एक लड़का है, उसके पिताजी हैं. ठीक है, तो उसके पिताजी उनके उनके दादाजी हैं, मतलब लड़के के, उनको परेशान करते थे. ठीक है, खाना नहीं देते, जमाने भर का डांटते भी थे, कभी पीट भी देते थे, कभी गाली भी दे देते थे. ठीक है, अब क्या है, वो लड़का बड़ा हो गया तो अब जो लड़का है वो खुद अपने बाप को मारता है. ठीक है, ऐसे ही ये नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स. क्या? सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं, सांच को आँच मतलब जो सच्चा है उसको कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई आँच नहीं आ सकती, उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती. तो हमने सुना होगा सांच को आँच नहीं. तो सांच को आँच नहीं की प्रोवर्ब्स क्या होगी, इसको हम कैसे यूज करेंगे सांच को आँच नहीं? तो इसमें बोल सकते हैं इनोसेंट. क्या बोलेंगे? इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर. इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर मतलब जो इनोसेंट है उससे कोई फेयर ही नहीं है.
मतलब सांच को आँच नहीं। तो इसी प्रकार से हम प्रोवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की प्रोवर्ब्स थी, आपको ये प्रोवर्ब्स कहावत जो आप बोलना चाहो कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं ताकि इन प्रोवर्ब्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, डेली लाइफ में लाएँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।